बहुत बड़ा हाथ है उनके साथ, सरकार उनको संरक्षण दे रही है इसलिए ऐसा हो पाया, क्योंकि सरकार का संरक्षण है उनके पास। सरकार का संरक्षण नहीं होता तो इतना बड़ा, इतने बड़े देश में इतने सारे स्टॉक्स में मैनिपुलेट नहीं कर पाते। तो आगे क्या कदम उठाने वाले हैं? आगे सर हम अभी तो हम अपनी तरफ से मांग कर सकते हैं, हम सरकार में नहीं है लेकिन हम अपोजिशन, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पर हम एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जो हम आज यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट करने का अधिकार लोकतंत्र में हम सबको है, हम यही कर सकते हैं। तो एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो, हमारे पार्टी लीडर भी इसको पार्लियामेंट में उठाएंगे, जिस कारण जिसके गठन से हम लोगों को एक अश्योरेंस मिलेगी कि आगे भविष्य में जो अडानी जी ने किया है वो किस कोई और ना कर पाए। कुछ फायदा मिलेगा जिस तरीके से भारत जोड़ो भी हुआ है और उसका भी कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा है? जी, भारत जोड़ो यात्रा का फायदा ये हुआ है कि एक तो हमारी पार्टी को घड़के जी के आने के बाद से जो एक लीडरशिप मिली है उसका बहुत हमें फायदा हुआ है, क्योंकि उससे हमारी पार्टी जो एक बहुत इनएक्टिव और डोरमेंट थी वो अब एक्टिव होने लगी है। राहुल गांधी जी हमारी पार्टी का फेस बन चुके हैं और पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारी पार्टी का एक परचम लहराया है, जो हमने वो हमारी पार्टी का इसमें फायदा हुआ। लेकिन जिस तरीके से अभी आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं 70 साल जो है कांग्रेस ने भी लूटने के काम किया। नहीं सर, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमारे देश को आजाद किया है। भ्रष्टाचार हर पार्टी के अंदर होता है, हम मानते हैं बुराइयाँ हर पार्टी के अंदर होती है, ये भी हम समझते हैं, लेकिन ये ब्लेम कर देना कि कांग्रेस ने सब कुछ किया और अपनी 8 साल की गलतियों को कांग्रेस के अंदर छुपाना, ये गलत है। लेकिन अडानी का जिम्मेदार आपके राहुल को बताते हैं कि पूरे कन्याकुमारी से कश्मीर तक बस अडानी चिल्ला, इसलिए अभी देखिए। तो सर यही तो ये जरूरत थी अडानी चिल्लाने की, क्योंकि अगर राहुल जी नहीं चिल्लाएंगे, हम नहीं चिल्लाएंगे तो कौन चिल्लाएगा, ये सारी बातें छुपी रह जाएंगी। अरे अडानी तुम्हारे अगर राहुल जी बार बार सवाल नहीं उठाते ना तो कम से कम ये कह रहे कि झूठी खबर जो बनाई है वो नहीं बनाते। सर झूठी खबर नहीं बनाएंगे, वो एक इंटरनेशनल जर्नल है, वो इतने सालों से काम कर रहा है, वो झूठी खबर अगर एक बार के लिए मान लेते हैं कि हिंडनबर्ग ने झूठी खबर फैलाई है, तो आप मुझे ये बताइए कि अडानी जी की पोजीशन पहले से 22 पे कैसे आई है? वो खुद मानते हैं, उन्होंने अपने जो उन्होंने स्पष्टीकरण के लिए वीडियो बनाया है उसमें भी तो वो ये बात मान रहे हैं कि हाँ मेरी पोजीशन पहले से 22 तक आई है, तो उसका क्या रीज़न है सर? तो क्या लगता है कि इसके पीछे जो है, जो मोदी जी पे आरोप लगाते हैं, हर चीज़ों पे आरोप लगाते हैं, तो इसके पीछे कितना हाथ हो सकता है? सर हमने हमेशा से देखा है सोशल मीडिया के थ्रू भी और वैसे भी देखा है कि मोदी जी का संरक्षण मिलता है उद्योगपतियों को। आप देखिए हमेशा अडानी जी से कांग्रेस का नाम क्यों नहीं जुड़ता? आप कह रहे हैं कांग्रेस 70 साल से सरकार में है, तो कभी अडानी जी का मोदी जी से ही क्यों नाम जुड़ता है हमेशा? कभी उनका कांग्रेस वालों से क्यों नहीं नाम जोड़ा जाता? तो कहीं ना कहीं उनको संरक्षण तो मिल ही रहा है ना, और जब से मोदी जी की सरकार आई है तभी से तो अडानी जी इतने ऊपर पहुंचे, उससे पहले कहां किसी छोटी चीजों में यहां पे देश में ईडी और सीबीआई काम पे लग जाती है। अगर ऐसी होती मतलब मान लीजिए घोटाला तो ईडी सीबीआई अब तक लग गई होती ना? हां जी, अडानी के पीछे ईडी सीबीआई तो लग गई। तो वही तो कह रहे हैं कि सर मोदी जी का सीबीआई और ईडी जैसी महत्वपूर्ण संस्थाओं को भी पूरा का पूरा संरक्षण मिल रहा है, तो जब वो संस्थाएं ही इंडिपेंडेंट नहीं है, ट्रांसपेरेंसी उनमें नहीं है, तो क्या करें? ऐसा क्या किया मैडम इस बजट में जो आपको एनएसआई को जो आना पड़ा? आपको नहीं लगता देश में किस प्रकार की महामारी है? जहां पूरे लॉकडाउन में पैसों की कमी आई, गरीब की जेब खाली हुई, उस समय अडानी के भंडार भरे, और जब हम कह सकते हैं कि ये जो झूठ का साम्राज्य बनाए और आज वो टूट रहा है, हम जब बोल रहे हैं कि देश में महामारी है, तो इस प्रकार से बताया जा सकता है कि किस तरीके से हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई, वो भी दूसरे देश की, हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई और पूरा साम्राज्य लाकर चली गई, जिस पर अभी लोग गर्व कर रहे थे कि वह व्यक्ति दुनिया का दूसरा सबसे अमीर इंसान बन गया, आज वो 15 में भी नहीं आ रहा है। तो क्या है, या तो झूठ का साम्राज्य है? साम्राज्य किसके द्वारा बतलाया गया, किसके द्वारा मदद की गई? दी गई मोदी सरकार के द्वारा। बिजनेस में इस तरीके का आता है और किस तरीके से स्टॉक मैनिपुलेट करेगा? आपने 10 अलग फर्म बनाई, उनके स्टॉक खुद खरीदे, उसका पैसा अलग कर दिया गया, कहाँ गया सारा पैसा? 75% स्टॉक आप ही का, 75% शेयर आपका है, आपकी कंपनी में, तो गरीब आदमी का क्या हो रहा है? सर 75% स्टॉक गौतम अडानी जी खुद रखते हैं अपनी कंपनी में, तो उन गरीब किसानों का क्या, जिनका पैसा उनके बैंक में है, उन गरीब किसानों का क्या जिनके पैसे से वो खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या पता कल वो भी नीरव मोदी जी की तरह, विजय वाले जी की तरह भाग जाए, तो हम क्या करेंगे? जब की आप बात कर रही है, उधर दूसरी ओर अडानी जी ने बयान दिया है, उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी में भी ऐसे जितने बाकी हैं कि हम रिकवरी कर लेंगे। तो सर वो तो कभी चोर नहीं कहता कि मैं चोर हूँ, क्या पता उनका, हम कभी ये विजय माल्या जी ने भी नहीं कहा था, उनके पास आज भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफी हद तक है, वो लंदन में ऐश कर रहे हैं, वो उनको इंडिया आने से कोई मतलब नहीं है। क्या कल के दिन से मोदी सरकार का क्या लेना, आप लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं?
सर अडानी जी को और अंबानी जी को मोदी सरकार ने किस प्रकार से संरक्षण दिया है ये हम सब जानते हैं। क्या इससे पहले किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात होती थी कि कांग्रेस से किसी का नाम जोड़ा जाता था? कभी नहीं जोड़ा जाता था। आज अडानी जी तकलीफ है या मोदी जी तकलीफ है? हमें दोनों से तकलीफ, हमें उससे तकलीफ है जो हमारे देश के गरीब किसानों का पैसा खा रहे, चाहे वो मोदी जी हो चाहे अडानी जी हो। और अगर मोदी जी ने अडानी जी को संरक्षण दिया है तो हाँ, हमें मोदी जी से भी तकलीफ है। क्या लगता है कि जो अडानी जी को जो धक्के लगे हैं उनसे उभरने का वो दावा दे रहे हैं, दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि जनता पर इसका असर पड़ेगा? मोदी जी का हाथ है तो उभरेंगे क्यों नहीं? देश का पैसा उनकी संस्था में जा रहा है तो उभरेंगे कैसे नहीं? देश का संस्थान गरीब दावा दे रहे हैं। अरे तो दावा तो दे रहे हैं, प्रधानमंत्री उनके समर्थन में है। देश का पैसा उनकी कंपनी के लिए जाएगा तो उठेंगे क्यों नहीं? देश का भंडार, देश का जो टैक्स गरीब इंसान टैक्स भर रहा है, जब वो पैसा उनके खिलाफ जाएगा। देखिए SBI से लोन लिया गया, LIC का जो हमारा क्या कहते हैं LIC से पैसा ले गया, परसेंट का लोन है, 1% से भी कम, 1% का फिर भी पैसा लुटाना। जब जब मोदी सरकार आई है तीन ऐसे लोन हुए, चाहे वह विजय माल्या हुआ हो या नीरव मोदी हो, अब अडानी जी का क्यों? ये सर चाहे मेहुल चौकसी, ये सारे ऐसे घोटाले क्यों मोदी सरकार में ही सामने आ रहे हैं? और किस प्रकार से 8 साल के अंदर एक भी नहीं पकड़ा गया? क्यों नहीं पकड़ा गया? क्यों ना क्यों, ये भाजपा ही सीधा सीधा पैसा खाती हो देश को टैक्स का पैसा। लेकिन इसको तो विदेशी साजिश बताई जा रही है ना? किस प्रकार से विदेशी साजिश? विदेश की संस्था ने पोल खोली है, क्योंकि वो पोल खोलने के लिए हमारी भारतीय संस्थाएं नाकाम रही। हमारी भारतीय मीडिया, भारतीय मीडिया, भारतीय संस्थाएं, भारतीय संस्थाएं जब आवाज उठा ही नहीं सकती, सच्चाई दिखा ही नहीं सकती, तो वह विदेशी मीडिया आई है, तो हम किस प्रकार से कह सकते हैं? हम यूं भी कह सकते हैं कि जो हमारी भारतीय मीडिया है, भारतीय संस्थाओं को हमारी सरकार की दमनकारी नीति बताने नहीं देती। अडानी पे नहीं, भारत पर हमला है, भारत की इकोनॉमी पर हमला है। हाँ तो यही तो बोल रहे हैं सवाल। जब कोविड के टाइम पे जैसिंडा आर्डन, कोविड के टाइम पे न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर थी अभी भूतपूर्व जैसिंडा आर्डन जी, उन्होंने हमारे देश के लिए बोला कि यहाँ पे मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो भी मोदी जी ने बोला कि विदेशी लोग हम पे आक्रमण कर रहे हैं। कोई भी हमारे देश की आलोचना करता है, यानी हमारे देश की जो सरकार की नीतियाँ उनकी आलोचना करता है, तो वो एंटी नेशनल। सर SBI, मैं वही तो कह रही हूँ कि सारे इंस्टीट्यूशंस सरकार द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं, इंडिपेंडेंस किस पर है? जो हमारी मीडिया, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ पिलर कहा जाता है, वो मीडिया तक इंडिपेंडेंट नहीं है, तो कोई इंस्टीट्यूशन कैसे इंडिपेंडेंट हो सकता है? वो सारी सरकार की जुबानी बोल रहे हैं। क्या लगता है मैडम, जो आप लोग जो आलोचना करने के लिए या समर्थन या विरोध करने के लिए जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे क्या अडानी के ऊपर या मोदी सरकार पर कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल सर, आज हम हमारे प्रोटेस्ट का मेन पॉइंट ये है कि हम एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन चाहते हैं, JPC का गठन चाहते हैं। वो JPC का एक बार गठन हो जाए तो उससे एक चेक रहेगा, जो इंस्टीट्यूशन है उन पर एक चेक रहेगा, वो आगे अडानी जी जैसा कोई ऐसा नहीं कर पाएगा। सर हम ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार जी द्वारा संरक्षण दिया जाए अडानी जी और बाकी जो उद्योगपति है उनको संरक्षण दिया जा रहा है। आज हम जो हमारे देश के उद्योगपति है, जिनके पास हमारे देश में सर सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है पॉवर्टी नहीं है, सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। जो एक जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि एक इक्विटेबल और फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो। सर एक अगर वो हमारे देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति है, मैं मानती हूँ उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हम घर दिन चार दिन यूज करते हैं, सर अगर उनको अपना बिजनेस चलाना है तो उनको रोजगार तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको सर हम ये चाहते हैं कि एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो भारतीय संसद में और उसमें हमारे नेता आवाज उठाए लोगों की, और उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हर पार्टी के लोग होंगे ऑब्वियसली, तो वो लोग एक एक करके इस पे एक चेक लगाए कि आज जो हुआ है वो आगे कोई और ना कर पाए, अडानी जी ने जो किया है वो इसके आगे कोई और ना कर पाए। हम ये चाहते जी बिल्कुल उन्हीं का संरक्षण है, इससे पहले क्यों नहीं हो? UPA सरकार के टाइम पे क्यों नहीं होता था? लोगों ने बोला कि कांग्रेस को राजस्थान में दिल्ली में अपार समर्थन मिला, लोगों ने बोला बहुत सारा समर्थन मिलेगा, महाराष्ट्र में अपार समर्थन मिला, कॉन्ट्रैक्ट दे रही है राजस्थान में। सर ऐसा बात ये है कि हर स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट होंगी, उनको अडानी जी को अपना बिजनेस वहाँ फ्लोरिश करना है, वो भी हमारे कंट्री के सिटीजन है, तो उनको वहाँ बिजनेस फ्लोरिश करने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका इंडिविजुअल लिबर्टी है, वो उनसे कोई भी गवर्नमेंट नहीं छीन सकती। चाहे कांग्रेस ने बढ़ावा दिया अडानी से, और आज अडानी के
ऊपर से झटका लग रहा था उसको गिराने का काम भी कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस की दो तरफा राजनीति समझ में नहीं आ रही। सर देखिए, जब तक इसे हम हिपोक्रेसी नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक वो ठीक थे तब तक उनको संरक्षण दे, तब तक उनको प्रमोट करना ठीक था, क्योंकि सरकार ही तो प्रमोट करेगी किसी भी बिजनेस को। लेकिन अब वो 75% एकदम से उन्होंने 75% शेयर अपनी कंपनी के अपने ही नाम कर लिए। और हमें देखिए, हिंडनबर्ग एक विदेशी कंपनी है, विदेशी इंस्टीट्यूशन है, उसके सामने हमारी कंट्री का उसके सामने हमारी कंट्री का नाम खराब हो रहा है, तो विश्व पटल पर हमारी क्या इमेज बन के रह जाएगी। लगातार उनके शेयर जो है घटते चले जा रहे हैं, इसका बहुत असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा सर, बिल्कुल पड़ेगा। अगर वो मोनोपोलाइज नहीं करते तो उनके शेयर इतनी, उनकी पोजीशन 1 से 22 पर नहीं घटती, क्योंकि ये घटिया इससे हमारी इकोनॉमी को एज अ होल असर पड़ेगा। जैसे आप कह रहे हो उन्होंने लोगों को रोजगार दिया है, क्या पता उनकी कंपनी से लोग ले ऑफ हो जाए, उनको वो बेरोजगार हो जाए, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी पर। अभी अडानी जी नंबर 2 पर रहा करते थे और आज उनको झुटके लग रहे हैं, तो आप लोग आलोचना ही करने लगाते हैं, कल को फिर तरक्की करके फिर ऊपर आएंगे, आप लोग फिर भी आलोचना करेंगे। हमें सर बहुत खुशी होगी अगर वो, हम खुद चाहते हैं कि अडानी जी का विश्व में नाम हो, हम भारतीय सबसे अमीर बने, हम खुद चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, पर वो गरीब किसान का पैसा ना खाए, 75% पावर अपने हाथ में कंसोलिडेट ना करे। अडानी और उद्योगपति भी इसी लाइन में है, तो बैंकों से पैसा लेके बैठे अगर यही हार रहा तो कैसा हो जाएगा। सर अडानी जी एक बहुत हाई एकेलॉन पे है जहाँ पर हर कोई नहीं पहुँच पाता, अंबानी जी भी है, पर अभी हम अडानी जी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि अभी हमें उन तक सीमित, पहले उन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल फिगर है, उनके नाम पर हम एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनवा सकते हैं, मे बी और पॉलिटिशियन और इंडस्ट्रियलिस्ट का भी इतना इन्फ्लुएंस ना हो, तो उनके नाम पर अभी पूरे समय में अडानी जी का आप लोग को मिल करके आपको भी मिलकर साथ देना चाहिए, तो आप लोग विरोध करेंगे। सर हम साथ तब देंगे जब वो ईमानदारी से काम करेंगे, अगर आप गरीब किसानों का पैसा खाएंगे तो वो अच्छी बात नहीं है, उसमें हम साथ नहीं देंगे।